छनिया हूँ यार। चीज बन रही है, माँ ने देखे। ओए होए होए हमने नहीं आना, मेहरबानी। मैंने कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो ले लिया है, क्योंकि वहाँ पे भाई खाना तो था लेकिन वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो नहीं थी। यहाँ पे माशाल्लाह खाना जो है ना वो तैयार हो गया, रोटियाँ बन रही हैं। और तो भाई देख लें, माशाल्लाह सीटें वगैरह लगी हुई हैं। अभी हम जा रहे हैं खानों का, मेज़बानों को तो बड़ी देर है, तो हम खाने की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को खाना शाना भाई दिखाते हैं कैसे तैयार हो रहा है गांव में। माने माने ओए होए होए ओए होए होए, ये है नहीं पानी, इसे धुल जाएगा। आपके तो साफ़ है ना। तो भाई ये है किचन, यहाँ पे खाने शाने जो है ना भाई हर चीज़ बन रही है। माने देखें, ओए होए होए, इतने बड़े बड़े माने। बताएं अगर आपने ये सीन देखे अगर शहर में कभी, तो हमारे घर भी आओ। हमने नहीं आना, मेहरबानी। क्या सोच है रे तेरी, जाओ तुसी अपने घर जाओ, मिल वैसी। यहाँ पे माशाल्लाह खाना जो है ना वो तैयार हो गया, रोटियां बन रही हैं। और ये जो कोयले हैं जिनसे खाना तैयार हो रहा है, अभी इनको ना ठंडा कर रहे हैं भाई, कोई बच्चा वगैरह जो है ना हाथ लगा। यहाँ पे बन रही है चाय जो कि दूध पत्ती है, देखें डायरेक्टली दूध डाला हुआ है। मेरे ख्याल से गांव में बनती ही ऐसे है ना, और हम लोगों ने भी गांव से ही सीखा है कि कैसे बनती हैं। लकड़ियाँ जल रही हैं, ठीक है ना, लकड़ियाँ जल रही हैं, और देखें इस तरह से इनका जुगाड़ लगाया जाता है। और गाँव में तो ये चीज़ आम होती है, ये चारपाई देखें, साथ वाले घर में शादी है और हम साथ वाले में चाचू और गाने इंजॉय कर रहे हैं। झलक दिखला जा, एक्शन जा जा जा, कॉपीराइट आ जाएगा ज्यादा। और यहाँ पे अभी सदके जाओ, मेरा बेटा क्या कर रहा है, नानी अम्मा की जान। आपको मजा आ रहा है गांव में? ईसा ईसा इधर देखो, आपको गांव में मजा आ रहा है? आप क्या कर रहे हो इधर देख के बताओ ना, क्या खेल रहे हो? ये तो पानी के साथ खेल रहे हो, ठंड लग जाएगी है मेरे बेटे को, ठंड लग जाएगी, बस करो। सदके जाऊं, आ जाओ। तो अभी हम दोनों बातें कर रहे थे, हमने सोचा कि हम अपनी एक दूसरे की आईडी का पता क्या नाम रखते हैं, बताओ मैं क्या रखूं अपनी आईडी का नाम? अपनी आईडी का हनिया हूँ यार। अच्छा गाइस, आपको एक मजे की बात बताऊँ, आज से 2 साल पहले मैंने ये रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये छपरी नाम रखते हैं, लेकिन मैंने रखा था और तुम रखो नो। ये बेचारी पहले छपरी थी ना, ये जब से अपनी लाइफ में सारे छपड़ी होते हैं, ठीक है ना, और ये भी छपड़ी। दानियाल तुम अपना नाम रखो, मेरा तो दानियाल मजर भाई, सीधा सिंपल नाम है। एक दाना एक ऐसे ही है ना। जी खाला, OMG गाइस, ये लड़की अपनी उम्र की लड़कियों का डांस देख के क्लैपिंग कर रहा है, शर्म नहीं आती आपको? नहीं। शिकायत लगाऊं आपके टीचर को? हैं? गाना चेक करो, गाना म्यूजिक है? है इंसा? नहीं है? आन मेरे पैरों से लाया, गोरियों की चक्करों में फंस गए हम। लाल लाल कुर्ती में गोरा सब, यार सच में वाइब है अपनी, मुझे लगता है ये भी भोजपुरी का गाना है। खैर उसके तो हर गाने में ही वाइब होती है, मेरे ख्याल से उसी का ही है।
तो ये यहाँ पे चाय और बिस्किट खा रहे हैं। हम लोग तो चाय पीते नहीं है, तो बस यही लोग यहाँ खा सकते हैं। वेलकम बैक फैमिली। यार फाइनली कुछ मेहमान जो है ना वो आने लगे हैं, तो हम लोगों ने भी भाई क्लब का जो है ना रुख वो कर लिया है। अम्मी जो है ना वो दूसरी साइड पे हैं और हम जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं, तो अभी बस जाते हैं। और अबू जो है ना, अबू आज नहीं आ पाए क्योंकि अबू कहते हैं आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, तो अबू ने आज आना भी नहीं इत्थे। तो भाई देख लें, माशाल्लाह सीटें वगैरह लगी हुई हैं, बड़ा बेहतरीन माहौल है, बिल्कुल साफ़ सुथरा, सीट्स वगैरह हर चीज़ प्रॉपर। वैसे कल वाले क्लब में ना इतनी सफाई नहीं थी, तो अभी हमारे दूल्हा साहब जो है ना वो नहीं है, लेकिन हमें दूल्हा साहब जो है ना वो बाहर मिले हैं, काम काज वगैरह देख रहे हैं, खाना बन गया है। तो माशाल्लाह अभी हम सिर्फ खाने का वेट करते हैं और उसके बाद नहीं, सॉरी खाने का वेट नहीं करते, हम घर जाने के वेट में खाने का इंतज़ार करना मजबूरी है हमारा। बड़ा हरामी हो बेटा। जो मैंने आपको अभी जगह भी दिखाई है ना, तो वहाँ से खाना जो है ना आएगा और यहाँ पे जो है ना सारा रखा जाएगा और यहाँ से सीधा जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये हमारे बन्नू जैसा छोटा छोटा काका, हाय हाय। तो ये फीमेल्स के लिए जगह है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो मेल्स के लिए है। तो बाकी हमारा कोई शौक़ नहीं है कि हम वहाँ पे जाएं और जो है ना, मतलब कि जैसे होता है ना लड़कों को शौक़ होता है लड़कियों वाली साइड पे कुछ जाना, तो हाँ। और मुझे ये चीज़ वैसे भी जहर लगती है। कंट्रोल। One hour later. ओके जी, वेलकम बैक फैमिली। भाई खाना शाना हो गया पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आप लोग कहेंगे यार जैसे ही जो है ना ये खाना दिखाता है उसके बाद जो है ना ये गायब हो जाता है। यार अब आपको मैं खाना खुद को खाते हुए भी दिखाऊं, मतलब कि यार इस तरह से आप लोगों को पता चलेगा यार इस बंदे ने इतनी बोटियां खाई हैं और इसने इतने चावल खाए हैं और इसने इतनी रोटियां खाई हैं। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए जो है ना कैमरा बंद कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है ना मेरी एक एक बोटी भाई बैठ के ना गिनती कराओ। तो खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़े का था, बहुत मज़े का था। कल वाला जो हमने खाना खाया ना उससे ज़्यादा बेस्ट था। और चावल जो है ना कल मुझे बस नॉर्मल लगे थे, लेकिन ये वाले चावल तो बहुत बेस्ट थे, बहुत ही मज़े के थे। अभी जो है ना अम्मी वाले सब खाना खा रहे हैं, वो खाना खा लें और उसके बाद जो है फिर हम जाएँगे घर और आप लोग भी हमारे साथ जाएँगे घर। बहुत गाँव फिर लिया भाई, बहुत गाँव घूम लिया। तो अभी बस चलो देख लें भाई, खाना शाना जो है ना वो सारा डन हो गया है। यहाँ पे पैसे जो है ना वसूल किए जा रहे हैं भाई, जिसने जो जो खाया ना उसका बिल जो है ना यहाँ पे बन रहा है। थोड़ा सा मोबाइल को चार्ज करते हैं ताकि आपको सीन वगैरह दिखा सकें और फिर घर चलते हैं। तो माशाल्लाह ये घर है जहाँ पे शादी है, हम लड़के वाले हैं तो ये लड़के का घर है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर। शाम हो गई, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो है ना अंकल जिनके बेटे की शादी है, तो वो कहते हैं मैं ना अबू के लिए, आपके अबू के लिए ना वो पार्सल करके देता हूँ खाना, तो आपने उनको लाजमी खिलाना है। तो वो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, वो आते हैं खाना देते हैं उसके बाद गाड़ी में रखते हैं फिर हम चलते हैं घर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। भाई माशाल्लाह चाचू ने खाना जो है ना वो दे दिया अबू के लिए। तो इसमें जो है ना वो मतलब कि जो जो रेसिपी थी, बिरयानी शिरयानी और कढ़ाई गोश्त और मीठे चावल और जो जो होता है मतलब के, और वो बड़ी बड़ी रोटियां भी चपाती जैसी। तो यार अभी हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो ले लिया है, क्योंकि वहाँ पे भाई खाना तो था लेकिन वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक जो है ना वो नहीं थी, और उसके बगैर अब रात जो है ना वो तो कटनी नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक हमने ले लिया है ठंडी ठंडी। अभी बच्चे जो है ना वो सामने पेंट्री पे गए हुए हैं, घर के बहुत ही करीब आ गए हैं, हम लोग बस अभी घर चलते हैं। आपका भाई जो वो बिल्कुल भी नहीं थका भाई, मज़ा आया।